नहटौर में चल रहे स्वास्थ्य केंद्र से अवैध उगाई व पैसे न देने पर उप चिकित्सा अधिकारी के सफाई कर्मी व ड्राइवर द्वारा नगर के एक स्वास्थ्य केंद्र स्वामी के घर पर जाकर सील लगा दी, जिससे सुब्ध होकर संयुक्त किसान मजदूर संगठन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय बिजनौर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। साथ ही एक मेमोरेंडम जिला अधिकारी को देकर उनके भ्रष्टाचार जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। वही संगठन के जिला अध्यक्ष चतर सिंह ने कहा कि जब तक कार्यवाही नहीं होगी धरना चलता रहेगा। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। नाम आपको? चतर सिंह। अच्छा, आज आप लोग डीएम से मिलने आए थे, क्या मांग? हम डीएम से मिलने आए थे कि इनके स्वास्थ्य विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। हम तो तहसील को देखते थे, पुलिस को देखते थे, लेकिन जब हम आज घुसे चिकित्सा विभाग में तो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। यहाँ सीधे आदमी से पैसे मांगे जाते हैं और जो पैसे देता है उसका काम चला जाता है, बिना पैसे वाले के ऊपर ये सील लगा देते, बंद करते। इस संदर्भ में हमने आज दिनांक संयुक्त किसान मजदूर संगठन बिजनौर ने आज दिनांक 20/11/2023 के शाम 5 बजे से मुख्य चिकित्सा कार्यालय हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ होगा।